नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में कौन है जिसने आपको रुलाया है 5 साल? कौन है जिसने आपको अपने हाल पर छोड़ा, बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं दिया, उखाड़ फेंकी ऐसे पार्षद और मेयर को? प्रत्याशियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ी है और धीरे धीरे प्रत्याशी आने के बता दें कि 230 से ज़्यादा एनआर कटे हैं। 10 मेयर प्रत्याशी के लिए नामांकन हो चुके हैं और 8 डिप्टी मेयर के लिए नामांकन हो चुके हैं। अब 22 तारीख आज हो गया, 2 दिन और बचे हैं, उसके बाद नामांकन वापसी की तिथि की घोषणा की जाएगी। एक बड़ा सवाल और बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा के पूर्व मेयर मिट्टू खेरिया ने कुछ पॉजिटिव साइन दिया है, लेकिन ये बताया है कि वहाँ से पटना से उन्हें कुछ राहत मिली है। क्या राहत मिली है वो कल राज खोलेंगे इस बात को, लेकिन तब तक हम बता दें कि मिट्टू खेरिया जो पूर्व मेयर रहे हैं और विधायक संजय सरावगी के लिए परेशानी का सबब इसलिए बन गया है कि महागठबंधन और भाजपा से कई उम्मीदवार। आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरी नाम अंजनी देवी है, मैं दरभंगा नगर के लिए महापौर के लिए आज नामांकन करवाई हूँ और मेरा मुद्दा यही है कि जो 48 वार्ड के पार्षद जितने भी नामांकन किए हैं और करेंगे, जो जीत के जाएंगे, और मुझे भी 48 वार्ड के पार्षद जितनी जनता है मुझे जीत के वोट दे के अपना बहुमत दे के मुझे नगर निगम में भेजेंगे, तो मैं आपसे वादा करती हूँ और जनता से वादा करती हूँ कि मैं एक एक पार्षद 48 पार्षद जीत के जाएंगे उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर मैं दरभंगा नगर में काम करूंगी। कराया है और ये स्पष्ट है कि पार्टी जात पात धर्म से ऊपर उठकर ये व्यक्ति विशेष का चुनाव है। मैं सभी जनता से अपील करता हूं कि इस नाते मैं अपनी सामाजिक जीवन में जो का बूथ अध्यक्ष से लेकर पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी कार्य तक रहा, आज तक जीवन में कोई प्रकार का चरित्र हनन नहीं किया, न दाग लगने दिया। मैं इस लेकर उम्मीदवारी दिया हूँ। हम जनता से अपील करते, वाइफ कही है इस बात को, हम धन्यवाद देते वाइफ को कि सभी पार्षद को लेके और सभी जनता को लेके एक एक वार्ड को विकास करेंगे। माने जनता मुझे काम देख कर और फिर से दोबारा चुना, क्योंकि माने अच्छा वार्ड में बहुत काम किए हैं, बहुत विकास हुआ है। क्या काम आगे भी करेंगे आप? पानी का जो पानी तो वो नल जल वाला थोड़ा छूटा हुआ है, कुछ इलाके में बाढ़ की समस्या दूर किया जाएगा सर। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? इस बार फिर मौका दे, फिर से मौका दे कि आगे मेरे रीजन में तो काम हो चुका है, जो बचा हुआ है उसको पूरा करेंगे, जनता के बीच खड़े उतरने का काम करेंगे, जनता की समस्या को हल करेंगे। बहुत समस्या है, रोड है, नाला है, बचा हुआ है। क्या नाम हुआ? वार्ड में जो पहले से पार्षद है उन पर घोटाले का आरोप है, वो नहीं कुछ कर सकते हैं। अब क्या है नहीं है वो तो पेपर के माध्यम से जैसे आप जानते हैं वैसे हम जानते हैं, सबका अपना अपना समस्या है। जनता का भरपूर हम लोग को समर्थन मिल रहा है। वार्ड 12 में अभी भी सर, अभी भी लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित है, आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बना पाया सर, शौचालय नहीं बन पाया है सर, जिसकी बहुत जरूरत, वृद्धा पेंशन में सर बहुत सारा कमी है जो सब बहुत नहीं हो पाया, कचरा का वही हाल है सर, एक भी वार्ड में नाला नहीं बन पाया है सर। लोग आपको क्यों वोट देंगे? वोट देंगे जनता के बीच में हम हमेशा रहे हैं, जनता के काम करेंगे। क्या नाम? वार्ड नंबर 5 की पहले रह चुके हैं और उसी पद के लिए हमने अपना नॉमिनेशन करवाया है। क्या प्राथमिकता रहेगी आपके काम की? मेरे काम की प्राथमिकता यही रहेगी कि यदि हमारे वार्ड में यदि कोई कारणवश किसी काम कोई काम पेंडिंग में रह गया है तो बस उसी को पूरा करना है। और जनता आपको क्यों वोट देगी? जनता हमसे बहुत ज़्यादा खुश है और उनका तो ये कहना हुआ कि हम तो बोले कि हमको मेयर में जाने दीजिए, जनता से हम अपने ये बात रखें, लेकिन जनता का तो ये कहना हुआ कि आपसे बेहतर हमको वार्ड पार्षद नहीं मिल सकता है, आप हमें मत बोलिए। आपने क्या क्या कार्य किया राजनीतिक क्षेत्र में, क्या क्या लोगों को सहयोग? जो भी काम सामने आया हमने सबको बखूबी देखा है और उसको तो चुनाव के बाद जनता परिणाम के रूप में दिखाएगी। चलिए श्रीमती निर्मला देवी, क्या प्राथमिकता? क्या काम करेंगे जनता को जो अभी तक वार्ड में कमी है
वो सारी चीजों पूरा करना है। क्या सब समस्या है वार्ड की? समस्या वार्ड का बहुत समस्या गड़बड़ है। मंजर पर क्या है? अब तक जो भी हमारे वार्ड पार्षद थे वो काम किया, अब जो अधूरी काम है उसको हमको पूरा करना है। चलिए ठीक, थैंक यू। क्या नाम हुआ? निर्मला देवी। कितने नंबर वार्ड से? 27। कार्य की यही सबसे पहला रहेगा, जो भी समाज में दिक्कत है वो सबको समस्या का समाधान किया जाएगा। किस वार्ड से खड़े हैं? वार्ड से खड़े हैं। कितना? वार्ड नंबर 1। क्या नाम हुआ? राजेश साह। दिक्कत तो रहेगी, पहला जो युवा लोग भटक चुके हैं उसको सही रास्ते पे लाना अपने वार्ड में, बाकी रोड नाला सफाई तो होता ही रहेगा। क्या नाम हुआ? शंकर कुमार भगत उर्फ दिलीप भगत। क्या कौन से वार्ड से? 19 नंबर वार्ड से, पार्षद पद के लिए। इस दिशा में युवा लोग भटक गए हैं, क्या आपका ये रहेगा? सब जो आजकल का माहौल चल रहा है जी जी, उसमें सब अपने पद से विरक्त हो गए हैं, उसको धीरे धीरे हम लाने का कोशिश करेंगे। जी क्या कहना चाहते हैं? किस तरह का राजनीतिक है आपका, क्या प्राथमिकता रहेगी कार्य की? यही रहेगी, सबसे पहले तो वार्ड 42 में जल का उपयोग करेंगे, उसके बाद नाला और साफ सफाई। क्या कहना चाहेंगे आप अपने 42 वार्ड? हम मोहम्मद शमशेर, वार्ड नंबर 42, मेरी धर्म पत्नी आज नामांकन की है सहनाज खातून। मैं वार्ड नंबर 42 के सभी जनताओं से, नागरिकों से, माताओं से, बंधुओं से गुजारिश करते हैं कि इस बार एकजुट होकर के हमें वोट दे करके जिताने का काम करें। एक बार से। क्या नाम हुआ? निखत नाजी। क्या प्राथमिकता रहेगी आपके काम की? रोड नाला। सर चुकी है वार्ड पार्षद नाहिद परवीन, इनकी बहन है, इनकी के वजह से जो काम रुका हुआ इनकी बहन पूरा करेगी। क्या नाम है? शाहिद अनवर। संतोष कुमार सिंह सर नाम हुआ, 19 वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या प्राथमिकता रहेगी? हमारी प्राथमिकता यही रहेगी, दरभंगा जिला जो है, हमारे जो शहरी क्षेत्र है, आज के डेट में जल जमाव से इतना त्रस्त है, अगर जनता ने हमें जीत दिलाई तो नगर निगम में जाके सबसे पहले मैं ये मुद्दा उठाऊंगा, जल जमाव से मुक्ति कैसे हो। दूसरा मुद्दा मेरा यही रहेगा जो प्रमुख चौराहों पर CCTV जितना लगा हुआ, आज की डेट में सारा CCTV कैमरा खराब है, जिससे अपराध काफ़ी हद तक बढ़ गया है। हमारी यही मुद्दा प्रमुख मुद्दा में शामिल रहेगी, जो सभी प्रमुख चौराहों पर CCTV लगे, सुस्त दुरुस्त CCTV रखने का इंतजाम हो, ताकि अपराधी अपराध करे तो उस पर पुलिस आसानी से उसे पकड़ सके। जनता आपको क्यों वोट देना चाहिए? ये तो आप हमारे जनता हैं, दोनों जनता, आप जनता से पूछ सकते हैं। राजनीतिक करियर क्या था आपका? मेरा राजनीतिक फ्रेंड साहब आनंद का, मैं जिला अध्यक्ष 13 साल से जिला अध्यक्ष हूँ, और जब भी कोई मुद्दा हुआ दरभंगा शहरी क्षेत्र में मुद्दा हुआ है तो हम पूरा प्रमुख मुद्दा को हम प्रमुखता से उठाते हैं। मेरा नाम हुआ राजकुमार महतो, राजकुमार वार्ड नंबर 17 से पार्षद पद के लिए खड़ा हुआ। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? प्राथमिकता यही रहेगी कि हमारे वार्ड की जनता, 17 की जनता त्रस्त है, न सफाई है, न बिजली है, न पानी है, मैं उस पर ध्यान दूंगा, इसके लिए मुझे खड़ा किया गया वार्ड की जनता के तरफ। जनता आपको क्यों वोट देना देगी? आपका राजनीतिक करियर क्या है? मेरा राजनीतिक करियर है कि मेरा भाई भी पहले से वार्ड 26 का पार्षद रह चुका है, उसके भी पहले जो हमारी सिस्टर भी पार्षद थी, हम लोग समाज सेवा का काम ही करते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्राथमिकता शिक्षा है, शिक्षा ही वो ऐसी श्रेणी का दूध है जो पिएगा वो धारेगा, और आने वाली पीढ़ी भी हर कोई से सवाल उठाएगा कि आपने इस चीज़ को क्यों नहीं किया। देखिए हम तो कहे ही कि हम युवा हैं, और युवा को जब आप विपरीत करिएगा तो वो वायु होता है, और वायु हर समय हम तो संघर्षशील एक छात्र नेता है, पूर्व में विश्वविद्यालय अध्यक्ष रहे हुए हैं, 4 जिला पर हमने संघर्ष किया है, जहाँ कहीं भी समाज में कोई घटना हुई वहाँ जाकर मैंने जमीन पर उतर कर काम किया है। जनता में हमारा तो चूंकि जन्म स्थल है, 15 सालों से मैंने हर एक जनता को नर्क में रहते देखा है, हमारी माँ बहन जब वहाँ चलती है कीचड़ में तो हमारे दिल को तकलीफ होता है। ज्यादा से ज्यादा कर अभी तक जनता के लिए क्या काम किए हैं? अभी तो मैं मेरे सोहर थे वो बहुत करे हैं, हुआ करता था। उन 37 वार्डों में एक वार्ड नंबर 24 था, जो अभी वर्तमान में वार्ड नंबर 30 है। उस वार्ड से दरभंगा शहर के प्रथम डिप्टी मेयर, जो सबसे पहले कौंसलर बने थे एहसान साहब, उन्होंने वार्ड से वार्ड कौंसलर भी बने, और सौभाग्य से उनको डिप्टी मेयर बनने का भी मौका मिला।
इस शहर का, और डिप्टी मेयर बनने के बाद उन्होंने अपने कार्यकाल में दरभंगा के विकास, के शहर के विकास के लिए, वार्ड के विकास के लिए, लोगों के लिए बहुत तरह का काम करने की कोशिश किया है। फंड नगर निगम में उतना नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जितना हो सका उन्होंने अपनी तरफ से वार्ड के लोगों के लिए, शहर के लोगों के लिए आगे बढ़ चढ़ के काम करने का कोशिश किया। वापिस जनता, हमारे जो वार्ड की पब्लिक है, जनता है, उन लोगों के डिमांड पे वापिस हम लोग आए चुनाव में, वार्ड पार्षद के चुनाव में, क्योंकि सामान्य महिला वार्ड होने के कारण हमारी माता जी महिला उम्मीदवार बनी है। और मुझे लगता है कि जो